डियर स्टूडेंट्स, मैं LR बरछिया फिजिक्स वाले चैनल से। आज हम क्लास 12th के अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में LCR सर्किट के रेजोनेंस के शार्पनेस के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। एक्सप्रेशन मैंने आपको पिछली बार बताया था, इसी को हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्यू फैक्टर कहते हैं। तो क्यू की वैल्यू आती है ओमेगा आर अपॉन टू डेल्टा ओमेगा। इसकी वैल्यू अल्टीमेटली हमको फाइनली मिलता है ओमेगा एल बाई आर या वन बाई ओमेगा सी आर। ये हमको डिराइव करना है यहाँ पर। तो एक सर्किट का, LC सर्किट का आई ओमेगा ग्राफ हमने प्लॉट किया तो कुछ इस तरह से मिलता है, इस तरह से। ये मैक्सिमम करंट IM और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा R कि यदि AC की फ्रीक्वेंसी इतनी है तो सर्किट सोर्स से मैक्सिमम करंट इतना ड्रॉ करेगा IM के बराबर। और हम कहते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पर हमारा सर्किट रेजोनेंस करता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली सर्किट रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट कर देता है? IM बाई रूट टू करेंट जब सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट होता है तो वहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। तो रेजोनेंस इस फ्रीक्वेंसी बैंड में होगा, ओमेगा आर से डेल्टा ओमेगा कम और ओमेगा आर से डेल्टा ओमेगा ज़्यादा, यहाँ तक मिलेगा हमको। ठीक, तो हमें यहाँ से ओमेगा आर अपॉन टू डेल्टा ओमेगा निकालना है और इस पूरे बैंड को हम कहते हैं बैंड विड्थ। ये बैंड विड्थ जितना कम होगा सर्किट की क्वालिटी उतनी हाई होगी, सर्किट की क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, वो सर्किट रेडियो सेट में उतना ही बढ़िया वर्क करेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट इज डिफाइंड एज ओमेगा आर बाई टू डेल्टा ओमेगा, राइट। अब आई मैक्सिमम कब मिलता है? जबकि सर्किट में फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है और उस समय सर्किट का इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो वेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, द जेड इज इक्वल टू आर एंड देयर फोर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू V0 बाई रूट टू। इतनी करंट सर्किट में फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट, सॉरी V0 बाई आर रेजिस्टेंस, V0 बाई आर के बराबर। ठीक, अब यदि मैं इस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा वन कहूँ, इस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा टू कहूँ, ओमेगा वन और ओमेगा टू कहूँ, तो ओमेगा वन फ्रीक्वेंसी पर कितना करंट मिल रहा है? IM अपॉन रूट टू, IM अपॉन रूट टू। तो एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन एंड द वैल्यू ऑफ जेट विल बी इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा, सॉरी XC माइनस XL का स्क्वायर, इतना होता है, इतना मिलेगा। इस फ्रीक्वेंसी पर हम कह रहे हैं कि करंट IM बाई रूट टू है, तो करंट IM बाई रूट टू विल बी इक्वल टू V0 अपॉन जेट, करेंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, तो इतना मिलेगा। अब IM की जगह मैं रख सकता हूँ V0 बाई आर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया V0 अपॉन रूट टू आर और इस तरफ मिल गया V0 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू होती 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा 1 सी माइनस
एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, तो हो गया ओमेगा वन एल का स्क्वायर। वी नॉट कैंसल, वी नॉट हो गया कैंसल, ठीक है। हम इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इस ग्राफ को भी मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो वी नॉट तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, रूट टू आर इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा वन सी माइनस ओमेगा वन एल का स्क्वायर, इतना मिलेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो मिल गया टू आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वन बाई ओमेगा वन सी माइनस ओमेगा वन एल का स्क्वायर, ठीक। इस आर स्क्वायर को मैं इस तरफ ले आऊँ तो इस तरफ बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा वन है ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू सी माइनस ओमेगा वन है ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू एल इस पूरे का स्क्वायर, ठीक। अब दोनों तरफ फिर स्क्वायर रूट निकाल दें तो आर विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ से ओमेगा आर को कॉमन ले रहा हूँ, ओमेगा आर कॉमन लिया तो बच गया वन माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर इंटू सी, यहाँ से भी मैंने ओमेगा आर कॉमन ले लिया तो वन माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर इंटू एल, इतना मिलेगा। मैं इसको ले चलता हूँ ऊपर, ऊपर ले चलता हूँ तो क्या हो गया वन माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर का पावर माइनस वन बाई ओमेगा आर सी, एंड यहाँ मिला माइनस ओमेगा आर एल वन माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर, इतना मिला। हमको मालूम है कि एट रेजोनेंस एक्स ही बराबर होता है एक्स एल के, मीन्स वन अपॉन ओमेगा आर सी बराबर होगा ओमेगा आर एल के। तो ओमेगा आर सी की जगह मैं ओमेगा आर एल रख सकता हूँ तो मुझे मिल रहा है आर इज इक्वल टू ओमेगा आर एल। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें तो पावर जो है सीधा सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो मिल गया वन प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर एल वन माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर, इतना मिला। अब ओमेगा आर एल राइट हैंड साइड में दोनों टर्म में कॉमन है तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो आर इज इक्वल टू ओमेगा आर एल ब्रैकेट में बचा वन प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर माइनस वन प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर, तो प्लस वन माइनस वन हो गया कैंसल तो क्या मिला ओमेगा आर इंटू एल इंटू टू डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर, एंड देयरफॉर ओमेगा आर अपॉन टू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर एल अपॉन आर। और हम इसी को तो क्यू कहते हैं, एंड दैट्स वाई द क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर एल बाई आर। अभी हमने कहा कि ओमेगा आर एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा आर सी, तो इतनी जगह मैं वन बाई ओमेगा आर सी रख सकता हूँ तो वन बाई ओमेगा आर सी इंटू आर। और यहाँ से आप ओमेगा आर की वैल्यू निकाल लें तो वन बाई रूट एल सी आएगा, और ओमेगा आर की जगह वन बाई रूट एल सी रखें तो आपको इतना मिल जाएगा वन अपॉन आर रूट एल बाई सी। तो दिस इज़ द फॉर्मूले फॉर क्यू फैक्टर ऑफ एन एल सी सर्किट। सो टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्यू, टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस वी मस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल, एल ज़्यादा रखेंगे आर कम रखेंगे
और सर्किट में सी की वैल्यू भी आपको कम रखना है, तो आपके सर्किट का शार्पनेस जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और सर्किट के क्वालिटी यानी कि क्यू फैक्टर उतना ही हाई होगा। एक रेडियो सेट के लिए जो एलसी सर्किट है उसका क्यू फैक्टर कम से कम 200 होना चाहिए मिनिमम। यदि 200 से कम है, यानी इतने की वैल्यू यदि 200 से कम है, तो ऐसा सर्किट रेडियो सेट के लिए सूटेबल नहीं होता। तो इसको याद रखेंगे, द मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर फॉर ए रेडियो सेट इज 200 और मोर देन 200। वैसे तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 200 के बराबर होना चाहिए, तब वो सर्किट एक रेडियो सेट में यूजफुल होता है, सूटेबल होता है। तो बच्चों, ये था डेरिवेशन क्यू फैक्टर का, एलसी सर्किट के क्यू फैक्टर का। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं आपका कन्फ्यूजन, मैं आपका डाउट ज़रूर 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 दूर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लूँगा। हाँ, उसके पहले यदि इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों, तो ये वीडियो या इसके सभी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद।